सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। यह वीडियो आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में गाली का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है। गाली देना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन क्या करते हैं, आजकल जमाना ही वैसा है। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ मेरी वीडियो देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। अबे साले कितने रुपए का पेट्रोल डलाता है जो हर बार बंद हो जाती है गाड़ी, धक्का मार मार के मेरे पैर घिस गए। अबे 25 रुपए का पेट्रोल डला था यार। oh, no! अबे 25 रुपए का, कितने रुपए की पर्स मारी तूने साले आज? अबे एक ही पर्स तुम्हारी थी, उसमें भी 25 रुपए मिले थे। पता नहीं किस गरीब का पर्स मारा था मैंने। अबे जरूर तूने किसी शादीशुदा आदमी का पर्स मारा होगा साले। अबे शादीशुदा नहीं था वो लग रहा था किसी भिखारी का पर्स लग रहा था यार। अबे तूने भिखारी का पर्स मार लिया? अबे यार अंडरवर्ल्ड में कुछ इज्जत है अपनी, साली इज्जत चली जाएगी हमारी। अबे यार हमें बड़ा आदमी बनना है, ऐसे बनेंगे बड़ा आदमी भिखारियों का पर्स मार मार के? अबे मुझे क्या पता वो भिखारी का पर्स था। अबे कम से कम देखना तो चाहिए था भिखारी का पर्स। मार्केट में कुछ इज्जत है अपनी यार। इज्जत? अबे इज्जत ही तो ना हमारी साला, मार्केट में जाता हूँ ना तो जूते से स्वागत होता है हमारा। हो गया था? हो गया मेरा। ऐसा कर आस पास जाके कहीं पेट्रोल देख, गाड़ी भगा के नहीं लेके जाऊंगा धक्का देके। मैं कुछ तब तक न्यूज देख लेता हूँ या टिकटॉक देख लेता हूँ, तो जाके पेट्रोल देख के चल। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है चल। ट्रेन से सोना है तो जाग जाओ, अगर अपने घर में रहते हो तो वहां से भाग जाओ, अगर बाहर हो तो अपने घर के अंदर भाग जाओ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि चमन गंजा का कीमती पेट्रोल, जो दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल है, वो इंडिया में आ चुका है और इसका एग्जीबिशन बहुत जल्द होने वाला है, आम जनता इसको देख पाएगी। तो तब तक फैंटम टीवी के साथ में बने रहिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, सबसे बड़ी न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद। ओबे जी तो चमन गंजा का पेट्रोल सबसे कीमती पेट्रोल इंडिया आ चुका है। रेंचो के बाद बताए। अबे आ गया तू, पेट्रोल मिला? हाँ मिला यार, लेकिन दुकान बहुत दूर है यार। अबे उस पेट्रोल को छोड़, अमीर होने का रास्ता मिल गया हमें। कैसे? अबे मसौली के सबसे भिखारी, मेरा मतलब है सबसे अमीर आदमी का सबसे कीमती पेट्रोल इंडिया आ चुका है। मैं क्या करूँ? अबे उस पेट्रोल को हम चुराएंगे और वो पेट्रोल सिक्योरिटी में रखा जाएगा। कुछ तो बात होगी उस पेट्रोल में, बहुत छोटी मोटी चोरियाँ कर ली। अब एक लास्ट चोरी करेंगे जो सबसे बड़ी होगी, फिर जिंदगी भर आराम से खाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तू बोला था वो सिक्योरिटी में रखा जाएगा पेट्रोल। अबे शराफत भाई का नाम सुना है? अबे ये कौन झंडू है बे? अरे यार शराफत भाई चमन गंजा का राइट हैंड, जिसका पेट्रोल है उसका राइट हैंड, उससे उसकी जरा सी बनती नहीं है। लेकिन ये बात चमन गंजा को नहीं पता है। हम शराफत भाई से मिलेंगे और उनसे कांटेक्ट करके वो पेट्रोल चुराएंगे, ठीक है? फिर अमीर बन जाएंगे। चल चलते हैं शराफत भाई के पास। चल बस अब मेरी बारी। 100 रुपए का गांजा लाया हूँ, तो हिसाब किताब से पीना, ठीक है? शाम को पीना है। बहुत झूठ की बोले, चुरा कर लाए तो तुमको मालूम है, इसको थोड़े मालूम है। बबलू डबलू वो हीरा मुझे किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि मुझे मसौली का सबसे सुअर आदमी बनना है। मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं है, बनेंगे धूम थ्री के संजय दत्त। क्या बुराइयां कर रहे हो? कुछ नहीं बॉस। सलामुअलैकुम शराफत भाई। सलामुअलैकुम नहीं होता, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वार बॉस मैं जा रहा, मेरी अम्मी का फोन आ गया। शराफत भाई कैसे हो? बढ़िया हो ना? और सब बढ़िया है। शराफत भाई हम लोग बहुत जरूरी काम से आए। हमको ना बताओ, हम
हमको मालूम है आप लोग को पेट्रोल चोरी करना है ना। आपको कैसे पता सलाफत भाई? उठे हुए कुत्ते की टांगे नहीं लगते। oh, no. ये तो सब छोटी बातें हैं। क्या टांगे होंगे बात कर रहे हैं यार सराफत भाई? क्या बात कर रहे हैं सराफत भाई? जो बचपन में सराफत भाई गधा और चिड़िया और खेलते थे उसी की बातें कर रहे हैं। यहाँ कोई है बेटे? सर यहाँ ये साले जब दो बुढ़े आपस में बात कर रहे हो ना तो तुम जैसे छोटों को हगने की जरूरत नहीं। चल जा अपनी वहां जरा बेटे। पेट्रोल तो हम चोरी करवा देंगे उसमें फायदा क्या होगा मेरा? पूरे 100 रुपए देंगे हम आपको। 100 रुपए में होता क्या है? सराफत भाई ले लो, दाल भी खत्म हो गई। चलो 100 रुपए दे दो। ठीक है सराफत भाई। डीलिंग पक्की? ठीक पक्की। लेकिन सराफत भाई सुना है वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी, हम लोग चोरी करेंगे कैसे वहाँ पे? नाम सराफत, काम सुअर वाले। हमको पता है आप लोग यही सोचे थे, हमारा आदमी आपके साथ जाएगा। अच्छा चलो चलते हैं और पेट्रोल चलाते हैं। चलो चलते हैं सराफत भाई और पेट्रोल चुरा के जल्दी मिलते हैं आपसे। चलते हैं। चमन गंजा, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट देता हूँ। तुम जानते नहीं जिस मार्केट से हम गुजर जाते हैं वहाँ के लोगों की पैंट पीली हो जाती है। पीली नहीं सरदार, गीली हो जाती है। गीली छोटे मोटे गुंडों को देख के होती है। आई एम चमन गंजा, हमें देख के लोगों की पैंट पीली हो जाती है, जानते नहीं हो क्या? बिल्ला खा ले। अबे चूतिया मुझे नहीं फोन खा ले। हेलो बॉस, आपकी जान का फोन। मेरी जान का फोन आ गया? हेलो, हाँ जानू, बस 2 मिनट वेट कर, 1 घंटे में आ रहा हूँ। oh, no. इस हीरे की हिफाजत अपनी कान को अपनी जान से भी ज्यादा करना। yes, boss. मेरी जान का फोन आया है, मैं जा रहा हूँ। yes, गंदे। अबे आज सुबह मैं नहा के आया हूँ, तू गंदा, तेरा खानदान गंदा, तेरा दादा गंदा साले। अबे वो गंद नहीं, गंदे गंदे। अच्छा ये गंद? हाँ ला रंगा, लो अपनी बंदूक पकड़ो, हम हगने जा रहे हैं। जाओ चलो। दो आदमी जा चुके हैं, अच्छे से एक्टिंग करना अंग्रेज की, समझे? अबे ऐसी एक्टिंग करूंगा ना कि साले अंग्रेज भी बेहोश हो जाएंगे। चल बे मेरी इंग्लिश सुन। समझ में आया? मेरे ना आया समझ में? अबे जब तेरे समझ में नहीं आया तो उनके क्या घंटे समझ में आएगा। चल यहाँ से। काम से आ रहे आप लोग? यहाँ आदमियों का आना मना है। आप लोग कौन है? ये क्रिस गेल है, रोनाल्डो जी, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है। ये सही बोल रहा है, हम है रोनाल्डो, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी। हमको पता चला है कि इधर इंडिया का सबसे महंगा पेट्रोल इधर होती और हम तुम्हारे बॉस से उसका सैंपल मांगती और उनके साथ डील भी करती। तुम अरबी में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मेरा माँ दुबई से होती और मेरा बाप अमेरिका से होती, लगता है हमारा झूठ पकड़ा जाती और हम इनको धूमधू का उदय चोपड़ा दिखाती। धूमधू का उदय चोपड़ा। अबे क्या कर रहे हैं? अबे परसों तो ढूंढ लेंगे इसकी। अबे साले दिखा देना अपने औकात चोरों वाली, चमन गंजा आ जाएगा तो गंजा करके मारेगा। चलो भागते, गरीब भी है साले।
मेरा पेट्रोल कहाँ है? बस दो अंग्रेज आए थे, पेट्रोल चुरा कर ले गए। हाँ, मेरा पेट्रोल। लगता है सराफत भाई को फोन करना पड़ेगा। हेलो सराफत भाई। हाँ, वो जो हम पेट्रोल लाए थे, हाँ वही रसिया से जो पेट्रोल लाए थे वो चोरी हो गया है। दो अंग्रेज बनकर आए थे, दो लोग वही ले गए हैं। आप जल्दी आए यहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम सराफत। ये बताएं, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे इंडिया में क्या हो रहा है? हम जो वो पेट्रोल लाए थे वो चोरी हो गया है, हम इसे क्या समझें? तुम्हारे होते हुए हमारा पेट्रोल चोरी हो गया, उसमें पेट्रोल नहीं 2200 करोड़ का हीरा था। भाई वो आपका पेट्रोल नहीं लूटा है, वो हमारी इज्जत लूट के लेके गए हैं। आपकी इज्जत तो पहले ही लूट चुकी है। तुम जानते हो भाई, थोड़े जानता है। हम क्या है, सब जानते हैं। भाई आपका पेट्रोल कहीं भी होगा हम आपको ढूंढ के ला के देंगे। 24 घंटे के अंदर अगर हमारा पेट्रोल नहीं मिला तो तुम्हारे घरों पे तुम्हारे सर मौजूद नहीं होंगे। अब जा सकते हैं यहाँ से, जाए मेरी नजरों से दबाओ, जाए यहाँ से। सराफत भाई ने यहीं पर मिलने का वादा किया था। सही बोला तू, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं हमें आते हुए। एक तो साला मोदी ने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है, अब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब ये पेट्रोल हमने चुरा के बहुत अच्छा काम किया है, जिंदगी भर एक एक बूंद डालकर गाड़ी चलाएंगे। सही बोल रहा राजा, एकदम सही बोल रहा तू। रंजो कभी पेट्रोल खत्म नहीं होने देंगे। ये सराफत भाई रह कहाँ गए यार? आ रहे होंगे यार। A few moments later. बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। पीछे क्या करते, मूत रहे थे क्या? भाग रहे थे। ओ ये लो शराफत भाई, आपका पेट्रोल। वो हीरा मुझे दे दो जो हमारे ये लो शराफत भाई, आपका कीमती हीरा। इस हीरे की मुझे पैसों से मिला। परसों नहीं, वर्षों होता है, वर्षों। हाँ परसों होता है, दोनों तो बराबर होते हैं। बराबर नहीं होता है। तो शराफत भाई हमें हमारा पेट्रोल मिल गया, आपको आपका हीरा मिल गया। अब हम लोग अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय करेंगे और पार्टी भी करेंगे। आज ही होगी पार्टी? आज ही होगी, अभी होगी। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, चार बोतल बियर लेते हैं ना। बॉस आजकल आपकी एटम कहाँ रहती है? बॉस उसको भी मार दिया। आज तक मेरे बाप ने मुझसे मेरी आइटम के बारे में ना पूछी, इसने पूछ लिया, मैंने इसे मार दिया। मेरी मर्जी, हाँ मेरा राज चलता है। रुक जाओ, घेर लो सबको, सबको पकड़ जाओ। भाई आपके पास इसको पकड़ के ला रहा था मैं। सराफत हमें तो पहले से मालूम था कि तुम और तुम और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सराफत की नहीं। बांध दो इन सबको पेड़ से और इतनी गोलियां इन सबके शरीर में डाल दो कि डॉक्टर की उम्र गुजर जाए गोलियां निकालते निकालते। बांध दो सबको। A few moments later.
अबे यार हमें बड़ा आदमी बनना है, ऐसे बनेंगे हम बड़े आदमी भिखारियों का पर्स मार मार के हैं। अबे मुझे क्या पता बे, अबे मारा तो देखा नहीं था भिखारी है कौन है साला, कुछ भी मार लेता है पर्स वर्स। हट क्या बोल, हट अबे लेकिन चोरी करेंगे कैसे, तू तो बोल रहा है वहाँ पर सिक्योरिटी बोर्ड रखी जाएगी। सिक्योरिटी रखी जाएगी तो कुछ तो बोली है। अबे तुम बोल, वो हीरा चुरा के ये है हमारा चमन गंडा विलन अपनी स्क्रिप्ट याद करते हुए। हाँ उधर आज के टू का सीन चल रहा है, उधर देखो गब्बर विलन उनकी शूटिंग कर रहे हैं। उधर की सीन चल रही है आज की टू वाली।